नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं मुजफ्फरनगर की ओर, जहां 3 और कोरोना के मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरनगर में कव्वाल गांव बन गया हॉटस्पॉट। मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना वायरस के 3 नए केस पाए जाने की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। अपर जिला अधिकारी प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को कोरोना वायरस के लिए 84 टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इनमें से 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है। ये 3 लोग मुजफ्फरनगर जनपद के ही निवासी हैं। इनमें से एक व्यक्ति पहले से ही हॉटस्पॉट घोषित किए गए गाँव शेरनगर का निवासी है, जबकि 2 लोग गाँव कव्वाल के निवासी हैं। इन 3 लोगों को उपचार के लिए बेगराजपुर स्थित मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उनके संपर्क में आए लोगों में से कुछ लोगों का पूर्व में ही टेस्ट कराया जा चुका है, जबकि अन्य लोगों के टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गांव कव्वाल मुजफ्फरनगर जनपद में नया हॉटस्पॉट क्षेत्र बन गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। गाँव कव्वाल के एरिया को भी सील करने की तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरनगर से मेहंदी हसन की रिपोर्ट। और आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पहले से हो चुके थे, क्योंकि रिपोर्ट जब हम सैंपल दिया है तभी से हमने उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दिया था। आज हम उसमें उनके और भी कॉन्टैक्ट खोज रहे हैं, ताकि कल से इस पर होमवर्क।